नहीं तो दूसरी चीज भी खाएंगे ना, सिर्फ अकेले मिठाई नहीं खा सकते ना। मतलब क्या हुआ, तीखा मीठा खट्टा सब होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट भी जो आप करते हैं उसमें वो सब आपने पावर सेक्टर डाल दिया, सेक्टोरियल फंड, तो वो नहीं चलता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, मीठा भी खाओ तीखा भी खाओ खट्टा भी रखो। इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ जैसे तीखा और मीठा वैरायटी है खाने में, मेन वैरायटी, वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी और डेट, ये दो मेन वैरायटी है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो दो क्लास में डिवाइड होना चाहिए। और एज ए थंब रूल बोलते हैं कि आपका इक्विटी में कितना होना चाहिए और डेट में कितना होना चाहिए। तो आपकी उम्र है, 100 में से आपकी उम्र घटा दो उतना आपका इक्विटी होना चाहिए। जैसे अगर 30 साल की उम्र है, मैं आपकी प्रेज्यूम करता हूँ, तो आप 70% तक इक्विटी में डाल सकते हो, 30% आप डेट में डालिए लॉन्ग टर्म। हाँ, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आप ऐसा है कि आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब मिला के भी आप देख लीजिए कि मेरा 30% डेट में है, 70% इक्विटी में, उससे ज्यादा इक्विटी में नहीं डालिए। बैलेंस फंड में क्या होता है कि 30-35% के आसपास डेट रहता है और 65% तक उनको छूट रहती है। तो बैलेंस फंड उन लोगों के काम का है जो किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जा सकते और खुद ही करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो जो पीरियोडिकली जो फंड मैनेजर है वो जो डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो बैलेंस करता रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका एज के हिसाब, एज माइनस 100 माइनस एज आपका इक्विटी होना चाहिए, तो वो आपकी अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी आपकी 15% से बढ़ेगी, डेट आपका 8-9% से बढ़ेगा, तो फिर वो इक्विटी का प्रोपोर्शन इन ड्यू कोर्स 2-3 साल में बढ़ जाएगा, तो फिर वापस आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस फंड में वो आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फंड में रियल पैसा है। क्यों था बराबर, रियल एस्टेट हर एक के बस की चीज नहीं है। एक तो इतना सारा पैसा चाहिए, लिक्विडिटी नहीं है, आपको जब बेचना है आप बेचने को निकालोगे तो 2-2, 4-4 साल 6-6 साल तक नहीं बिकता। या फिर आप डेस्परेट सेल करो कि भैया जितना पैसा आता है उतने में बेच दो, तो फिर मतलब ही नहीं हुआ आपका इन्वेस्टमेंट करने का। तो रियल एस्टेट एडवाइजेबल नहीं है, एक्सेप्ट कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है और आप चाहते हैं कि 10-20% उसमें डाले। पर आप हमारे जो क्लाइंट है, बहुत सारे क्लाइंट हम लोगों ने देखा 90% तक उन लोगों ने अपना रियल एस्टेट में डाला, क्योंकि ये पिछले 10-1 साल में जो रियल एस्टेट में तेजी आई है उनको लगता है बस वो रिसेंसी इफेक्ट की वजह से ऐसे का ऐसे भाव बढ़ते रहेंगे। परंतु जो मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो रजिस्ट्रेशन के डेटा वगैरह जो फ्लैट के रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं मुंबई में, तो उससे मालूम पड़ रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कम हो गया, नंबर कम हो गया, मतलब एक्चुअली ट्रांजेक्शन कम हो रहा है। वो बिल्डर वगैरह भले पैसा रेट पकड़ के बैठे, आपके अचार के जितना है, चटनी के जितना है, ये आप अकेले चटनी में समोसा डाल के नहीं खाएंगे, समोसे में चटनी डाल के खा सकते, तो उतना ही होना चाहिए। और सोना अभी बढ़ा है, बाकी जैसे अपन ने देखा वो रिटर्न 9% के आसपास था, जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। तो सोना आपको खरीदना भी है तो आपके जो लड़का या लड़की की शादी होगी सोना, अगर वैसे ही अगर तो मैं कह रहा हूँ ना, वो कंजम्पशन है, वो खर्च खाते नहीं मानने का, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का। वो एक लड़का पूछा, बोला पापा शादी में कितना खर्चा होता है, बोला बेटा शादी के दिन तो इतना वो हुआ 10-1 लाख रुपया और ये किस्त तो अभी भी भर ही रहा हूँ मैं, तो वो उसको किस्त के खाते में डेबिट कर देने का। जब जेल के 18 लाख रुपया मिलेगा और 10 लाख का फ्री इंश्योरेंस मिलेगा, जो पैसा जब वापस आएगा 20 लाख वो आपके लिए फ्री है आपके हाथ में। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्या? दूसरा बताता हूँ, क्या भरा गया ना? तो आप कौन सा वाला करेंगे? बराबर है,
फर्स्ट वाला कितने लोग लेते हैं? ये देखो, ये फर्स्ट वाले में 5.5% की रेट है आईआईआर प्लान, ठीक है सब तो है ना, मतलब आपको मालूम है, पर आप ये 5.5% जो दिखता है ना, एंडोमेंट प्लान है, तो ये जो पहली वाली चीज है वो एंडोमेंट प्लान है, दूसरी वाली चीज है वो लाइफ इंश्योरेंस और पीपीएफ है। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिक्स नहीं करना। बोलते हैं ना दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक बार कुछ हो गया आपको, तो आपको जो आपका घर का खर्चा है और आपके जो बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो आप पैसा बचा रहे वो होता रहेगा क्या? कितने लोगों के श्योर है कि भाई अपने नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है? लिमिट पूछिए आप। नहीं, आपको मालूम है 5 लाख, मैंने 12 करोड़ नहीं, 12 करोड़ जैसे जितना अमाउंट होना चाहिए, मतलब उस हिसाब से क्या करना चाहिए आपको कि भाई एक अपन घर पहुंचे नहीं दिन कोई दिन शाम को और अपने बीवी और बच्चे बेसारा हो जाए, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बोलिए ना। वो करेंगे सपन के, हम तो गए ऊपर। मैंने पहले से करके रखना है ना, अभी तो मैं अभी बोल रहा हूँ क्या करना चाहिए। मैं जाने के बाद तो आपकी और मेरी बात थोड़ी बहुत होने वाली है, किसी की जो भी जाएगा मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं। वो अगर आपने नहीं कमा के रखा है तो क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस करना चाहिए। मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि जब तक आप जिंदा हो और आपकी वाइफ आपको झगड़ती है, आपको बहुत लाख बुरा बोलती है, तो आप जवाब तो दे सकते हो, ऊपर जाने के बाद जवाब देने नहीं आ पाओगे, तो कम से कम ऐसा करके जाओ कि बोले गया तो गया, सुखी तो करके गया। तो कितना इंश्योरेंस होना चाहिए आपको? अगर लगता है भगाना तो मैं भगाने को भी तैयार हूँ, मैं तो 1.5 घंटे का सोच के आया हूँ। क्या लॉजिक है 10 to 12 times के पीछे? कि वो जो पैसा आएगा वो अगर आप ब्याज पे रखेंगे तो जो आपका इनकम है, आपकी जो एनुअल इनकम है उतना आ जाएगा, तो जो खर्चा आपका हो रहा है वो उससे पूरा भरपाई हो जाएगा। फिर कौन सा इंश्योरेंस खरीदना चाहिए? एंडोमेंट टर्म प्लान में कौन सा? प्योर टर्म में कौन सा है मालूम है आपको? प्योर टर्म में भी और वैरायटी है, ऑनलाइन टर्म प्लान। ऑनलाइन टर्म प्लान उसमें बदमाशी होती है? क्या बदमाशी होती है? जब नहीं बताएगी क्या बदमाशी होती है? जब भी क्लेम का समय आता है एजेंट्स आते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ निकाल के उनको कमीशन नहीं मिला, आज तो कर्मचारी वही है। वो बात है, मतलब लोगों को डर लगता है कि मैं ऑनलाइन टर्म प्लान लूंगा ले सकते हो, मेरे को क्लेम नहीं मिलेगा। उसके पीछे कारण क्या है? अब लाइफ इन LIC में क्लेम 5 हो जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो दो, तो जब आपका पॉलिसी है ना, आपका जो प्रपोजल फॉर्म था वो किसने भरा? आपने भरा कि एजेंट ने भरा? क्यों आपको अंगूठा छाप है बताइए ना, मेरे आप अंगूठा छाप है इंग्लिश नहीं है, मैं हिंदी में भी भर सकते हैं, आप हिंदी भर सकते हैं, हिंदी में भी भर सकते हैं, जो जो चीज पूछिए पढ़ दो। वो तो खाली साइन करा था और आजकल साइन भी करा था। अरे कई बार वो बोलोगे आप बोलोगे अरे साइन भी कर देते, साइन भी कर देते, साइन भी कर देते, साइन भी कर देते। वो अभी भी करते हो क्या? आप करते हो क्या? अभी भी करते हो क्या? आप कह रहे हैं करते हैं करते हैं, बिल्कुल सर इसको मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है नहीं करता, कि आप डेथ वारंट पे साइन कर रहे हो अपने नहीं अपने घर वालों के, ऐसा पॉलिसी लेने से क्या फायदा जिसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा? उसने कुछ भी लिख दिया, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, उसने लिख दिया कौन मेडिकल मेडिकल करवाएगा, नो लिख दिया, और कब आप हॉस्पिटलाइज हो और हॉस्पिटलाइज में होता है ना, होता है ना,
तो इंश्योरेंस खरीदने के पहले आप फॉर्म खुद हाथ से भरिए, नहीं समझ में आए तो और किसी को पूछिए, और जितनी भी बातें सच्चाई से बताइए, आपकी इनकम के बारे में, आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, मतलब कोई भी चीज आप झूठ नहीं बताइए। लोग सोचते ना इसे मालूम पड़ने वाले बरबर करते, मैं मतलब आज से 25 साल पहले मैं भी सोचता था अरे ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है मतलब। अगर आपने सब चीजें सच सच लिख दी है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बेसिस पे आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है वो आप बताइए। और अगर कोई ऐसा तैसा कारण निकाल के अगर कर सकती है तो IRDA के पास में ग्रीवेंस रिड्रेशन फॉर्म है, आप उनको कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करोगे तो उनको भी तो कोई ना कोई जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा आपका क्लेम रिजेक्ट करने का। आपने सपोज पॉलिसी ले ली है, जब पॉलिसी आती है उसके पास आपको प्रपोजल फॉर्म का कॉपी भी आता है, बराबर है। आप घर जाके प्रपोजल फॉर्म बराबर जो भी जब आपकी रनिंग पॉलिसी है वो खोल के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसमें अगर कुछ इनएक्यूरेसी हो तो आप रिपोर्ट कर दीजिए, एटलीस्ट आज तो लिख के दे दीजिए, फिर इंश्योरेंस कंपनी को कुछ करना होगा तो करेगी, फिर आप तो कम से कम बच गए पॉइंट पे, आपका क्लेम भविष्य में रिजेक्ट आने वाले टाइम में 10% कॉस्ट का फर्क पड़ जाता है। ये से भरने का, अपने हाथ से भरने का और फुर्सत से भरने का, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी में फॉर्म भरने का नहीं। और कोई भी चीज हो, अपने पेरेंट्स को कोई बीमारी नहीं हो लिख देने का, पेरेंट्स को एक्सपायर हुए 10 साल हो गए फिर भी उनकी बीमारी के बारे में कोई, वो फॉर्म में डाल दीजिए। अगर आप फॉर्म में सब कुछ ईमानदारी से भर दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपका क्लेम रेपुटेशन रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जो बच्चा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है और उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, जो होममेकर है उनके लिए इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, उनका जो उनका जितना प्रीमियम भरते हैं ना खुद का सोने की ज्वेलरी ला के दे दीजिए आप उनको, वो मैडम खुश हो जाएगी। तो भी आप अपना जो घर का खर्चा है या जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वगैरह वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कितने लोगों के पास में उसका रास्ता है। सेकेंड सिचुएशन का लाखों रुपए का खर्चा हो गया हॉस्पिटल का, कितने लोगों के पास में मेडिक्लेम है, लाइफ इंश्योरेंस दिया है कि आप उसमें से आपका वाला पोर्शन वो माइग्रेट कर सकते हैं। तो आप जब रिटायर जब रेजिग्नेशन दे रहे हैं रिटायर हो रहे हैं उसके पहले अपनी वाली जो पॉलिसी है वो पोर्ट कर दीजिए, और जब आपके मन में ही हो रिजाइन करने का उसके पहले इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके पता लगा दीजिए कि मैं कैसे पोर्ट करूँ। ये किडनी फेल हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसका हाथ पैर टूट गए, इसको कवर करने के लिए हॉस्पिटल का पैसा तो मिल जाएगा आपको, पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो देगी नहीं क्योंकि आप जिंदा है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके इसका आपके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, रिस्क अपन ने कवर कर दिया, मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कवर कर दिया, इसको कर सकते हैं क्या, कैसे, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आती है, क्रिटिकल नहीं जो राइडर खरीदते हैं वो राइडर तो 2 या 4 लाख 5 लाख का ही होता है, वो राइडर से तो काम नहीं होगा क्योंकि क्रिटिकल इलनेस में तो आपको एक तो आपका आपका कमाने की योर एज आपकी क्या एज है और कितना टेन्योर के भी ले रहे हैं। ये देखिए सबसे बॉटम वाली लाइन देख लीजिए आपके लिए है राइडर,